हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आज एक और नई रेसिपी के साथ जो है छोले भटूरे, तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो प्लीज़ शेयर करिए आपके साथ ताकि आप लोगों को भी अच्छा लगे। छोले भटूरे किस किस को पसंद है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। बच्चों को तो पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। ये ऐसी रेसिपी है दोस्तों, सबकी फेवरेट होती है। तो आइए, मैंने ले लिए हैं 250 ग्राम छोले जो मैंने रात में सोक कर दिए थे ओवरनाइट के लिए। अच्छे से सोक हो गए हैं, ठीक है। ये 202 प्याज हैं और 2 टमाटर हैं। टमाटर आप ज़्यादा ले सकते हैं, क्वांटिटी के हिसाब से देख लीजिएगा अपना। लहसुन अदरक का पेस्ट है इधर। ये मैंने ले लिए हैं कड़ी पत्ता थोड़े से ताकि टेस्ट अच्छा आए छोलों में। इधर हरी मिर्च है थोड़ी सी और अदरक के स्लाइसेस कट कर लिए हैं। ये छोलों को मैंने कुकर में डाल दिया है दोस्तों। कुकर में डालने के बाद इस पर पानी लगा दिया है। तो पानी आप देख लीजिए इतना ही लगाना है, इससे ऊपर ज़्यादा ना लगा दीजिएगा। ये खड़े मसाले हैं कुछ, इनको हम इसी में डालेंगे। तो इनको खुला नहीं डालना है दोस्तों। तेज पत्ता है, दालचीनी, काली मिर्च है, जीरा है, थोड़ा सा फूल चक्री है, ठीक है, लौंग है, छोटी इलायची, बड़ी इलायची है। ये इधर ले लिया है आंवला। आंवला सूखा है, मैंने कट कर लिया था तो इनको सूखा लिया था, तो ये थोड़े टुकड़े मैंने डाल दिए ताकि हमारा कलर छोलों का बहुत अच्छा सा आएगा। आप देखिएगा छोलों का कलर कितना अच्छा आया है। ये जितने मसाले थे ना, ये सब पोटली बना लेना है, मैंने बताया था अभी। पोटली बना के उसको अच्छे से टाइट पोटली बना दीजिएगा। तो उसको बांध के इसमें हम छोलों में डाल देंगे, ठीक है। छोलों में डालने के लिए जैसे अगर पोटली बनाते तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे तो कई लोग खड़े भी डाल देते हैं, लेकिन वो खड़े डालने से अच्छा है कि पोटली बना के डालिए ताकि सारे मसाले इकट्ठे मिल जाते हैं। इधर हल्दी और नमक हमने थोड़ा सा लगा दिया है। और याद रखिएगा दोस्तों, ये पोटली में जो मसाले डाले हैं मैंने तो पेस्ट पहले ही पीस लिया था प्याज का, ठीक है, क्योंकि ये जब मैंने बॉईल करने रखे थे तब मैंने पीसा था। तो आप ध्यान रखिएगा, ये पोटली का मसाला अगर बॉईल हो जाए उसके बाद प्याज, देखिए मैं प्याज पीस रही हूँ, भूल गई थी मैं, तो इसी में पोटली का मसाला, जब छोले बॉईल हो जाते हैं ना, वो सब मसाले सारे इसी में डाल के ग्राइंड कर लीजिएगा अच्छे से, तो उससे टेक्स्चर और अच्छा आता है छोलों का। फ्लेवर भी अच्छा आता है, टेक्स्चर भी अच्छा आता है। ये मैंने प्याज कट कर लिया है। छोले हमारे गाढ़े बनते हैं, मतलब ग्रेवी उसकी बहुत यमी बनती है और टेस्ट बहुत अच्छा आता है इन मसालों से। खड़े मसाले सारे बहुत यमी लगते हैं, तो आप प्लीज़ छोलों में तो ये मसाले ज़रूर डालिएगा दोस्तों। और प्लीज़ हल्दी, नमक, मिर्च तो डेली के रेगुलर के मसाले होते हैं, लेकिन जो गर्म मसालों का स्वाद होता है, हाथ के खुद के मसाले पिसे हुए बाहर पैकेट में जो आते हैं, उनको यूज़ ना करिएगा दोस्तों। इधर मैं दिखा रही हूँ, प्याज मुझे ग्राइंड कर लेना है, पेस्ट बनाना है। टमाटर की भी प्यूरी बना लेंगे दोस्तों, ये देखिए। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो था ही अपने पास, ठीक है। तीनों चीज़ें हो गई हैं। इधर ये मिर्च है और अदरक के स्लाइसेस किए थे और कड़ी पत्ता है। तो इधर हम प्याज के पेस्ट में क्या करेंगे, सारे सूखे मसाले जितने ड्राइंग इंग्रेडिएंट थे, जितने सूखे मसाले हमारे हैं, सारे दोस्तों मिला देना है ताकि ये मसाले हैं सोक कर जाएं, ठीक है, फूल जाएं अच्छे से। और ये छोलों में जाएंगे ना, तो उससे ग्रेवी बहुत 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 कलर इतना अच्छा आता है। आप देखिएगा, मैंने कोई कलर वाली मिर्चा नहीं डाली है। बाद में मैं जब छौंक लगाऊंगी तब डालूंगी, नहीं सब्जी में कलर इन्हीं मिर्च से आता है, इन्हीं मसालों से ही आता है। ये मेरे सारे घर के हाथ के मसाले पिसे हुए हैं दोस्तों। हल्दी भी मैं घर पे ही पीसती हूँ, पैकेट वाली नहीं लेती हूँ। मिर्चा भी, धनिया पाउडर भी, घर के हाथ के मसाले। बहुत पहले तो लोग दोस्तों सिल पे पीस के बनाते थे, सिलबट्टा जो होता है उस पर। अब तो मिक्सी चल गई है तो मिक्सी से सब पीसते हैं, लेकिन आप घर पे पीसिए तो ज़्यादा बेटर है। ये देखिए, हम मसाले सोक करने रख देंगे, इसको साइड में रख देंगे मिला के, ताकि सोक हो जाए अच्छे से, फूल जाए हमारे मसाले। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसको फूलने के लिए थोड़ा 10-15 मिनट दे दीजिएगा, ताकि जो मसाले हमारे अच्छे से फूलेंगे और ग्रेवी अच्छी बनेगी, ठीक है। इधर हमने ले लिया है 1 कप मैदा, आधा कप और लूँगी मैं। 1.5 कप मैदा लिए मैंने,
आप लोगों को दिखाने के लिए दोस्तों, लेकिन मैंने 3 कप मैदा के बनाए थे, आप लोगों को थोड़ी क्वांटिटी में दिखाया ताकि आप लोगों को समझ में आए। 1.5 कप मैदा में 1/2 कप सूजी लेनी है, ठीक है। कुल 2 कप होगा, 1.5 कप मैदा, 1/2 कप सूजी। और अगर 3 कप के बनाने हैं आपको छोले भटूरे, तो 3 कप मैदा, 1 कप सूजी लीजिएगा, ठीक है। सूजी का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है दोस्तों, सूजी से हमारे भटूरे इतने टेस्टी, यम्मी और छेनेदार बनते हैं, फूल के एकदम बॉल की तरह बहुत यम्मी बनते हैं। तो प्लीज़ 1 कप ले लिया है दही। इस दही में मैंने चीनी पहले से फेंट रखी थी, चीनी और नमक हल्का सा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, चीनी अगर दही में फेंट लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, इससे खमीर बहुत अच्छा आता है आटे में। अब देखिएगा आप, अभी आप आपके पास इनो पाउच हो तो प्लीज़ इनो पाउच डाल दीजिएगा, ना हो तो 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 बेकिंग सोडा डालिएगा, ठीक है। वैसे इनो पाउच ज़्यादा बेटर है, इनो पाउच एक डाल दीजिएगा। ये देखिएगा इसे कलर बबल्स आ रहे हैं कितने, आप देख सकते हैं दोस्तों कितने बबल आ गए हैं। तो दही मेरा थोड़ा सा ठंडा था इसलिए कम बबल लग रहे हैं आपको, नहीं तो ये फूल के और ज़्यादा हो जाता। फ्रिज से निकाल दिया था लेकिन फिर भी ठंडा था, मौसम भी अच्छा खासा हो रहा है दोस्तों, तो फ्रिज में जब कोई चीज़ रखते हैं तो बाहर रखने के बाद टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर में बहुत देर बाद आती है, समय लगता है उसमें। सो मैंने दही बाहर रख दिया था लेकिन फिर भी इसी तरह हल्का अभी ठंडा था। तो आप ध्यान रखिएगा, दही अगर डालते हैं तो रूम टेम्परेचर में हो, ठंडा ना हो। तो इधर हमने लगा लिया है डो, ये देखिए हमारा आटा लग के तैयार है दोस्तों, है? ये थोड़ा मेरा आटा गीला था हल्का सा, लेकिन मैंने इसी का बनाया था। बहुत टाइट डो नहीं लगाना है, सेमी सॉफ्ट लगा लीजिएगा प्लीज़ दोस्तों। बहुत टाइट डो लगाएंगे तो भटूरे भी आपके सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अगर आप चाहते हैं भटूरे सॉफ्ट बने तो डो भी हमें सॉफ्ट लगाना है। इधर घी या तेल जो भी है आपके पास आप ले लीजिएगा और पूरे में अच्छे से आटे के डो पे लगा दीजिएगा, इस तरह से, जिस तरह से मैं कवर कर रही हूँ ना, सब मैं लगा रही हूँ पूरे आटे में, इस तरह से लगा के उसको हम ढक के रख देंगे करीब 15 से 20 मिनट के लिए। तो आटा पहले लगा लीजिएगा तब सब्जी बनाइएगा, इससे क्या है हमारा आटा अच्छे से फर्मेंट हो जाएगा। ये देखिए मैंने आटा रख दिया साइड में, ये दिखा रही हूँ छोले बॉयल हो गए। तो ये आमले जो मैंने डाले थे ना दोस्तों, ये वो आमले मैंने निकाल लिए हैं छोले में से और ये पोट लिए है। तो आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है छोलों का। पोटली को खोल लेंगे, इसका जितना भी फ्लेवर था ना मसालों का वो सारा छोलों में हमारे चला गया है। सो अगर आप ये प्याज का पेस्ट नहीं बनाया हो तो ये सारे जो सूखे मसाले हैं पोटली वाले प्याज के पेस्ट में आप डाल के अच्छे से ग्राइंड कर सकते हैं, आपकी ग्रेवी बहुत यम बनेगी दोस्तों। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छा लग रहा है खड़े मसाले, देख खड़े मसालों की बात ही और होती है दोस्तों, सब्जी में पड़ते ही सब्जी का स्वाद टेस्ट बदल देती है, स्वाद बढ़ा देती है, कुछ कह नहीं सकते। बहुत अच्छे मसाले, मुझे बहुत पसंद है मसाले, खड़े मसालों की खुशबू भी बहुत अच्छी लगती है दोस्तों। सो आप लोग भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को खड़े मसाले कैसे लगते हैं, सब्जी में डालना कैसा पसंद है, किस किस को पसंद है, किस किस को नहीं। तो प्लीज़ ये देखिए मैंने तेल लगा दिया है, तेल लगाने के बाद इलायची डाल दी है, तेज पत्ता डाल दिया है, इधर डाल दिया करी पत्ता, ये जिंजर गार्लिक का पेस्ट है जो मैंने पीस के रखा था। मैं दोस्तों बना के रखती हूँ पहले से ही, सो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में अगर जिंजर गार्लिक का पेस्ट आप लोग को चाहिए रेसिपी, मेरा महीने महीने भर चल जाता है, स्टोर करके रखती हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को रेसिपी चाहिए है कैसे बनाते हैं, किस तरह से बनाते हैं, तो मैं आपको बता दूँगी। बाकी ये देखिए जिंजर गार्लिक का पेस्ट फ्राई होने के बाद मैंने क्या किया, जो प्याज वो का पेस्ट था ना जिसमें मसाले हम लोगों ने सोक किए थे वो भी इसमें डाल दिया है, अच्छे से भून लेंगे धीमी धीमी आंच पे इसको। और कढ़ाई आपकी अगर आयरन की हो तो और भी अच्छा है, ना हो स्टील की भी अच्छी है, इसमें भी अच्छा बना था खाना, सब्जी अच्छी बनती है, लोहे की कढ़ाई की बात ही और होती है दोस्तों। तो मेरे पास है लेकिन मैंने सब्जी आज इसी में बनाई थी स्टील वाले में, तो इसमें भी यम बनी थी सब्जी, बहुत अच्छी बनी थी, लाजवाब बनी थी दोस्तों। प्लीज़ बना के देखिएगा इस तरह से मेरे तरीके से। अब कड़ी पत्ता आपके पास हो ना तो पक्का डालिएगा, ज़रूर डालिएगा, कड़ी पत्ते से स्वाद बहुत अच्छा आता है।
अच्छे से मसाला हमारा भून जाएगा, तो हम इसमें क्या करेंगे, टमाटर की जो प्यूरी के हमने बना के रखी है ना पीस के, तो ये हम डाल देंगे। ठीक है, देखिए कलर देखिए कितना अच्छा टमाटर का, रेड रेड। तो इसको अच्छे से इसको भी भून लेंगे, इसको भून के ढक देंगे दोस्तों, ताकि टमाटर हमारा, नमक डालना चाहे डाल सकते हैं क्योंकि मसालों में नमक मैंने डाल दिया था। ठीक है, तो टमाटर में टमाटर सॉफ्ट हो जाएंगे, अच्छे से फ्राई हो जाएंगे, मसाले जितने भी हैं सारे भुन जाएंगे हमारे मसाले। तो आप देख लीजिएगा इस स्टेज पे थोड़ा सा पानी लगा दीजिएगा, कहीं की कढ़ाई में लग ना जाए, कभी कभी ऐसा होता है ढक ढक दिया तो मसाले भूल गए, ध्यान नहीं है, तो काम करने लगे तो लग जाते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा मसाले फ्राई हो जाएं, लगे नहीं नीचे, अच्छे से फ्राई हो जाने से सब्जी का टेस्ट बदल जाता है। ये देखिए थोड़ा सा मैंने लगा दिया पानी, पानी लगा दीजिए और थोड़ा टाइम दीजिए इनको भुनने में, जितना अच्छे से भुन जाएगा ना मसाला उतने ही अच्छे और यम बनेंगे। छोलों की बात ही और होती है दोस्तों, जितना मसाला अच्छे से भुन के बनता है वो छोले या कोई भी सब्जी है तभी रंग लाती है जब उसका मसाला अच्छा हो। तो किसी भी सब्जी को बनाने के लिए पहले हम उसकी ग्रेवी और वो मसाले को चटपटा और यमी बनाने के लिए उसमें थोड़ी देर भूनना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये 10-15 मिनट के लिए हमने भून रही हूँ, भूनती हूँ, बंद करती हूँ, फिर देखती हूँ मसाला अच्छे से तेल छोड़ दे, अच्छे से भून जाए, तो जो सब्जी हमारी बहुत यम बनती है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से क्या आप भी करते हैं, कसूरी मेथी थी मैंने तवे पे अच्छे से हल्का सा रोस्ट कर लिया, उसको अच्छे से हल्का सा बिल्कुल भून लिया है ताकि ये खुशबू, दोस्तों इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आप छोले मसाले जो लेते हैं ना मार्केट से वो आप ना लिया करिए, आप इसी तरह से बनाइए। गरम मसाले होते हैं छोले मसाले में, कोई ऐसी अनोखी चीज़ नहीं पड़ी होती, यही मसाले होते हैं खड़े वाले, उनको किस तरह से पीसा जाता किस तरह से नहीं पता नहीं दोस्तों, लेकिन ये जो मसाले होते हैं आप घर में पीस के रखिए, छोले मसाले आप बना के रख सकते हैं, सांभर मसाला, छोला मसाला, ये सब घर में बनते हैं दोस्तों, घर में बनाइए अपने बनाने, उसमें क्या होता है घर में बनाने से साफ सफाई भी अच्छी रहती है, अपने हाइजीनिक का थोड़ा ध्यान रखते हैं हम लोग, बाहर इतना नहीं रहता ध्यान। सो प्लीज देखिए, ये देखिए छोले हमारे अच्छे से मसाला भुन गया है छोले के साथ। अब थोड़ा सा हम लगाएंगे इसमें पानी ताकि छोले को थोड़ी सी ग्रेवी मिल पाए। तो मैंने ग्रेवी दोस्तों बहुत ज़्यादा नहीं रखी थी है ना, बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी थी मैंने, ग्रेवी इतनी रखी थी ताकि भटूरे के साथ एंजॉय कर सकें। अगर आपको राइस के साथ खाना हो तो थोड़ी सी ग्रेवी आप रनी रखिएगा राइस के साथ, तो थोड़ी लिटपिट वाली नहीं अच्छी लगती है दोस्तों, थोड़ी ग्रेवी होनी चाहिए, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। अगर भटूरे के साथ खानी है तो इस स्टेज पे आप थोड़ा ढक दीजिए, थोड़ा सा एक ग्लास पानी लगाया, ज़्यादा नहीं लगाया, बहुत ज़्यादा देख सकते हैं आप, बहुत ज़्यादा पानी नहीं है दोस्तों। और छोले हमारे बहुत सॉफ्ट बने थे, बहुत 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 सॉफ्ट, इसलिए मैंने, कई लोग क्या करते हैं छोलों को थोड़ा सा मिक्सी के जार में ग्राइंड करके डाल दिया ताकि ग्रेवी गाढ़ी हो जाए, नहीं तो गाढ़ी करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है, मसाले ही काफ़ी होते हैं और छोले बस बॉयल अच्छे से हो तो टेस्ट भी अच्छा आता है। ये देखिए हमारे छोले बनके तैयार है दोस्तों, अभी मैंने इसमें कुछ नहीं डाला है, वही मसाले पकाए हैं, बस गैस के ऊपर से उतार के अलग रखा साइड में, इधर हम लगा देंगे हल्का सा छौंक, उसमें तड़का मतलब देसी घी लगा लिया एक चम्मच, इधर डाल देंगे अदरक के जूलियट थे हमने जो लंबे लंबे स्लाइस कट किए थे, हल्का से घी में जैसे ही भुने वैसे हरी मिर्च डाल देंगे, इसको मिलने के बाद हम कड़ी पत्ता डाल देंगे दोस्तों, जैसे ही कड़ी पत्ता हमारा भुन जाएगा तो हल्का सा डालेंगे कश्मीरी मिर्च। अब मैंने डाली है थोड़ी सी कलर लाने के लिए, बाकी सब्जी में तो कलर आप देख सकते हैं कितना अच्छा आ रहा है। ये देखिए हमने कड़ी पत्ता और ये सब जो छौंक लगाया था, तड़का तैयार किया था, सब डाल दिया इसमें,
और आप देख सकते हैं धनिया से गार्निश कर देंगे। ये छोले बनके हमारे तैयार हैं दोस्तों, आइए एंजॉय कीजिए आप भी। कलर देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा आया है, तो आप भी बनाइए एंजॉय कीजिए इसी तरह से, बच्चों को खिलाइए। और अगर आपको मेरे बनाने का तरीका और जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना आपको अच्छा लगता हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन तो ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देख सकते हैं आटे का डो मैंने बनाया था जो कितना सॉफ्ट है दोस्तों, कितना सॉफ्ट हो रखा है। तो आप ये ध्यान रखिएगा, बस आटे को हाथ में मसल लीजिएगा थोड़ा सा। ये देखिए आटा देखिए चिपक रहा है हाथ में, लेकिन सूखा आटा थोड़ा सा लगा के आप बेलेंगे तो नहीं चिपकेगा। मैंने बताया जैसे कि आपको कि आटा थोड़ा सा गीला हो गया था मुझसे, तो ये देखिए तेल में जाते ही ये बस सोचिएगा कौन सा तेल है दोस्तों, ये सरसों का तेल है। आपको मैं कई वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं सरसों का तेल ही यूज़ करती हूँ, मैं रिफाइंड ऑयल नहीं यूज़ करती हूँ। तो आप भी यूज़ कीजिए सरसों के तेल से, खाने से कोई दिक्कत नहीं है, खाने से खाना यम्मी बनेगा, टेस्टी बनेगा, स्वाद भी बढ़ जाता है। सरसों का तेल शरीर के लिए भी कोई नुकसानदायक नहीं होता है। तो प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों, लाइक नहीं करते हैं आपके एक लाइक से प्लीज़ मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। सो आप प्लीज़ ध्यान रखें दोस्तों, थोड़ा सा सपोर्ट करिए मुझे। और प्लीज़ मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय दोस्तों।